कुरान करीम में वाइया या फरहबून, और मुझ ही से डरो। तो हम काश अल्लाह से डरने वाले बने। अल्लाह का डर यूं समझो, अल्लाह का डर निकला तो दुनिया भर के डर हमारे अंदर घर कर गए। अल्लाह पाक हमें अपना हकीकी डर और सही मानों में खौफ अता कर दे। एक और रिवायत मुझे याद आई जो शरह सुदूर में, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो जब मर के कब्र में जाएगा तो हर वो चीज उसको डराने के लिए पहुंच जाएगी जिनसे वो अल्लाह के सिवा उनसे डरा करता था। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं, उसी की पनाह में आते हैं कि अपना खौफ दे दे। ये डरने से मुराद ये नहीं, यूं तो हर मुसलमान कुछ ना कुछ डरता ही है। कोई मुसलमान ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके दिल में बिल्कुल ही खौफ ना हो। ये बोला जाता है कि हाँ इसको खौफ नहीं है, हकीकत में कुछ तो खौफ होता है। मिसाल के तौर पे इसने ईद की नमाज जुम्मा नहीं पढ़ता, ईद में आ जाता है, ये क्यों आता हुई? कुछ तो अल्लाह का खौफ है कि यार कुछ तो अल्लाह को याद कर लूं मैं। ईमान लाना ये भी उसका खौफ है। हर मुसलमान इन मानो कर मुत्तकी है। फिर वो खौफ के दर्जे आते हैं मुख्तलिफ, यानी के इसके ग्रेड्स हैं। इसी तरह मतलब ये कि तकवा यानी मुत्तकी होना, तकवे के भी मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं।